साथ घोड़े के साथ घुड़सवारी कर रहा हूँ और इसमें ऐसा सीन है कि मैं जो है एक तरफ जो है निरहुआ महावाली है, दूसरी तरफ मैं हूँ और हम लोग घोड़े से लड़ाई कर रहे हैं। एक युद्ध था और उसी का भी शॉट और चल रहे हैं, सीन चल रहे हैं। तो लड़ाई था बस वही घोड़े के साथ, बस हॉर्स राइडिंग कर रहा था। कुछ बताएंगे फिल्म के बारे में? कुछ जानना चाहूँगा। फिल्म के बारे में तो मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि भी फिल्म जो है अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। इस फिल्म के जो है डायरेक्टर जो है इकबाल बख्श जी हैं और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर रमेश व्यास जी, और इस फिल्म में जो है दिनेश जी हैं, अमृपाली जी हैं और भी बहुत सारे अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं। और ये पूरी कई भाषाओं में बन रही है, भोजपुरी के अलावा कई भाषाओं में बन रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी में इस टाइप की फिल्म बन रही है। भोजपुरी के इतिहास में मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा चेंज, जिसको बोलते हैं कि पलट, मतलब एकदम बिल्कुल चेंज, फर्स्ट टाइम हिस्टोरिकल फिल्म बन रही है। और नो डाउट है कि अगर ये फिल्म जो है सिनेमा हॉल तक और दर्शकों तक पहुंचेगी तो भोजपुरी का एक नया रूप आएगा, एक नया आयाम आएगा। जैसे हर भाषा की, हर क्षेत्र की फिल्मों में अलग अलग टाइप की फिल्में बनती है, तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इस फिल्म के बनने के बाद एक नया आयाम आएगा, एक नया मतलब कह सकते हैं कि क्रांति आएगी फिल्मों को लेके। कॉस्ट्यूम के बारे में जानना चाहिए, कॉस्ट्यूम काफ़ी अलग है, कितना वजन है या हल्का है कुछ बताएंगे? ये कम से कम 8 किलो का वजन है टोटल, ऊपर से लेके नीचे तक, चूँकि राजा महाराजा के ज़माने की फिल्म है, हिस्टोरिकल फिल्म है, तो इसमें उस ज़माने के जो है ड्रेस भी हम लोगों को कैरी करने पड़ते हैं। और लेकिन नो डाउट है जब हम लोग एक्टिंग करते हैं तो हम लोग सब सारे भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर कितना वजन है, कितना बोझ है। अभी मैं फर्स्ट टाइम घुड़सवारी किया इसलिए किया कि मुझे करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप हिम्मत करते हो तो सब कुछ हो सकता है। थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ता है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और मैंने आज जो है हॉर्स राइडिंग की और एक तलवारबाजी भी की और बहुत बड़ी बात है। और हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग फिल्म के लिए जीते हैं, सोचते हैं कि कितना अच्छा फिल्म में काम कर दे, कितनी अच्छी फिल्म बन जाए कि जो हमारे दर्शक जो है बड़े टाइम निकाल के अपने कीमती वक्त, कीमती पैसे लगा के आते हैं फिल्म को देखने के लिए, तो उनको एक अच्छी फिल्म मिले, एक अच्छा आर्ट मिले, एक अच्छा कला मिले, एक अच्छी स्टोरी मिले। घुड़सवारी और तलवारबाजी क्या कभी आपने सीखी है इसके लिए? नहीं, कभी नहीं सीखी थी। कभी जो है मैं घोड़े पे फर्स्ट टाइम बैठा मैं, और गांव में हम लोगों ने जो है लाठी भांजा है लेकिन तलवार नहीं भाया था। और इस फिल्म के लिए मैं फर्स्ट टाइम जो है तलवारबाजी की और घुड़सवारी दोनों की। बहुत मज़ा आया, हिम्मत किया, क्योंकि घोड़े को लेके चलना, घोड़े को लेके दौड़ना बहुत होता है, बहुत डेयरिंग का काम है, बहुत हिम्मत का काम है। और नो डाउट, हाँ बात मानता है कभी कभी, कभी कभी ये नाराज़ हो जाता है कि थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है कि थोड़ा सा जी ठोकर खा गया, थोड़ा सा ये घोड़ा भी गिर गया था और मैं भी थोड़ा सा गिर गया था, थोड़ा सा इंजरी हो गया, लेकिन इस टाइप की फिल्मों में चलता है, इतना सब चलता है। अयाज जी, आपने बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग की है लेकिन एक घोड़े के साथ, एनिमल के साथ शूट करना कितना रिस्की होता है शूट के दौरान? बहुत रिस्की होता है, खासतौर से आप उस पर सवारी कर रहे हो। अगर जो है कोई भी जानवर आपके साथ है वो अलग मैटर है, अगर खासतौर से हम जिस जानवर पे सवारी कर रहे तो वो थोड़ा सा, क्योंकि हम नॉर्मल चलना और जो है एक सिनेमा जब शूटिंग चल रही है उसमें आपको लेके कैरी करना, तो पता होता है कि इसमें रुकना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है। चूँकि जब थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए भी आया कि जब मैं इसको, हमें स्ट्रेट जाके फिर राइट मारना था, तो इसलिए और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि सिर्फ लेके आपको जाना नहीं होता, टहलना नहीं होता है, घोड़े को लेके भागना भी है, कहाँ से लेफ्ट मारना है, कहाँ से राइट मारना है, तो ये थोड़ा सा टफ जॉब है, काफ़ी टफ जॉब है अगर आप सीखे नहीं हो तो। जो सीखा है तो उसके लिए हर कुछ आसान है। आपका घोड़ा नाराज क्यों है, देख नहीं रहे आपको? नाराज़ है कि चूंकि आज सुबह से काफ़ी मेहनत हो गई उसको और मैंने अभी तक उसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, चूँकि मैं भी बिज़ी था। अभी जो थोड़ा पैकअप होगा तो मैं इसको बेडशीट उशीट थोड़ा सा खिलाऊँगा, क्योंकि घोड़े जो है मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो नो डाउट अभी हम काफ़ी बिजी थे, अभी एक्शन चल रहा था, आप लोग देख रहे हैं कि हाथ में तलवार लिया हूँ, तो अभी शूट चलेगा, शूट पैकअप होने के बाद थोड़ा सा अपने घोड़े को प्यार भी करूंगा। अच्छा, पहली बार भोजपुर में ऐसी कोई फिल्म बन रही है, दर्शक क्या आपको लगता है कि दर्शक इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल, क्या होता है भाई, मैंने बोला कि कभी भी किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को अच्छी चीज़ पसंद आनी चाहिए। तो एक तो ये बिल्कुल नया चीज़ है, तो कोई भी नया चीज़ होता है तो एक बार लोग बोलते सोचते हैं कि क्या है, तो भोजपुरी के लिए तो बिल्कुल एक नया डिफरेंट
मतलब मुझे लगता है कि आज तक भोजपुरी के इतिहास में पहली फिल्म है ये, इस टाइप की ये फर्स्ट फिल्म है। तो जाहिर सी बात है पहली फिल्म है तो अट्रैक्शन तो रहेगा कि यार इस फिल्म में क्या है, चल के देखे। और नो डाउट हम लोगों ने जितनी मेहनत की है स्टोरी पे, जो हमारे जो है डायरेक्टर साहब जो है इकबाल बख्शी और प्रोड्यूसर जी जो है अपने रमेश व्यास जी, दिनेश जी, अमरपाली जी, सभी लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत फिल्म को बड़े शिद्दत लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। तो नो डाउट बोलते हैं कि जो है मेहनत जो है रंग ज़रूर लाती है, तो हम लोग मेहनत ज़रूर कर रहे हैं और मेहनत कर भी रहे हैं। और अलग पैटर्न की भी फिल्म है तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इसको बहुत पसंद करेंगे, बहुत पसंद करेंगे। और ये फिल्म भोजपुरी को एक नया पैटर्न देगा कि भोजपुरी में भी हम जो है बड़ी फिल्में और डिफरेंट टाइप की फिल्में, ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न पे चले जा रहे हैं, हम मतलब चेंजेस कर सकते हैं, वेरिएशन भोजपुरी फिल्मों में भी वेरिएशन ला सकते हैं। तो दर्शकों को कहेंगे अपनी इस फिल्म को लेकर? दर्शकों से ही कहूँगा कि बस ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद बनाते रहिए। हम लोग आप लोगों के लिए निरहुआ महाबली एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी फिल्म लेके आ रहे हैं, और आपके जब ये सिनेमा घर में आए तो इस फिल्म को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद दें।